पुण्यात्मा ही समर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका ली हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहाँ इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं, ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दें जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा उसका भी ये सारा कबाड़ उसके घर के अंदर का सारा गंध जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके, उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके। तीनों जने बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी। पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल, गाय लेकर के उसको प्रदर्श में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे गाय के संभाल घणी करे, और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे, गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा, जब गुरुजी चलने लगे सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गा मरियो। ओले भाई, ये गा मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गा मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का ना देखे, भाई यू के कया, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीस दे दी कि उसकी गाय मर, वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मरगी बीमार होकर, गाय मरगी बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई, फिर वह फुर्सच्छी होगी, फुर्सच्छी होगी तो पहले तो वो नितनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, है उस गाय मुड़जी पुड़ज रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गाँ के चिपटी रह थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद, अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते मोगरा मारेगी, महाराज तू खड़ा आ गया मेरी गाँव मरगी, आशीर्वाद दुर्शासिश दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बुढ़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुदेव गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका आपका जो वचन फल गया वो गा मरगी व गा ना मरा होता मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाती, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, व गां की मृत्यु होने से
और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रेम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तो तने में बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरु जी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर राजी है, कहा जी एक बार तमन में खोटाया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने दो रोटी खा लो की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गाँ की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी, अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहाँ से छुट्टे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया गया कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था मेरे, तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ पुड़ धोरी थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा क्यों ना मिटी ने मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वह घनी खुश होगी, न बोली बेटा तो गया सो यो तो दुख भूला नहीं जाता, लेकिन अब काम सीधा मिल गया मुझे, अपनी भक्ति करी बुढ़िया ने खूब डटके। और कहते हैं वहाँ उसके दूसरे पड़ोसी बता रहे थे कि शाम के समय एक पैर नीचे बुढ़िया का, एक पैर ऊपर, और नो कड़ लाए जैसे नो की नो सुबह बैठी पाई मरी पाई, आराम से गई, यानी इतना सुंदर मौत हुई पता भी नहीं चला। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट है www.jagatguru-rampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।